बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पूर्व 1,10,000 रुपयों की लूट के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ठाकुर द्वारा वार्ड निवासी ठेकेदार लाल सिंह दीवान का नेपाली मजदूर भगत सिंह पुत्र लाल सिंह 1,10,000 की राशि से भरा बैग लेकर जा रहा था। इस राशि को उसने अन्य साथी मजदूरों में वितरित करना था, लेकिन कांडा टैक्सी स्टैंड के पास पीछे से आए एक युवक ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया तथा उसका रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गया। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि उसका नाम दीपक सिंह गड़िया है। कोतवाली पुलिस तथा एसओजी की टीम ने लूट के आरोपी दीपक सिंह गड़िया निवासी बालीघाट को आरए तिराहे से पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूट की राशि के मध्य 1,07,000 की रकम भी मई बैग बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली पुलिस तथा एसओजी टीम की सराहना करते हुए बताया कि आरोपी को पूर्व में 4.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। जो है हमारे बागेश्वर कोतवाली में एक नेपाली व्यक्ति से जो है वो आया और उसने बताया कि उसके साथ एक लूट की घटना हो गई है और उसके पास 1,10,000 रुपये एक बैग में थे, उसके मालिक ने दिए थे और उसके एक व्यक्ति ने उससे ये पैसे छीन करके भाग गया है और लगभग 19 तारीख की उसने घटना बताई। इस क्रम पे हमने जो है इसमें मुकदमा रजिस्टर किया और चूँकि जो घटना स्थल उसने बताया था उसके आसपास CCTV वगैरह भी थे, उसके आधार पे हमने वर्क शुरू किया। SOG और स्थानीय पुलिस के माध्यम से हमने अभियुक्त को ट्रेस करने के हमें काफ़ी करीब हो गए और इसी क्रम में हमने फिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उससे पास से हमें 1,07,000 रुपये बरामद हो गए हैं और जो चोरी का बैग जिसमें उसने छीना था मतलब वो भी हमें बरामद हो गया है और अभियुक्त को हमें हिरासत में लेकर के माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये अभी जानकारी में आया है कि जो अभियुक्त है इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और पिछले वर्ष इसको स्मैक में यहाँ से जेल भी भेजा गया था, तो ये क्रिमिनल प्रकृति का है और भी इसके बारे में पता कर रहे हैं। किसी और थाने में या कहीं और इसने ऐसा कोई आपराधिक कृत्य किया होगा तो उसके विषय में भी माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।